ये तो तू सुबह खुद को आईने में भी देख लेता। तो अब हम लोग जाने का प्लान बना रहे हैं अमेरिका में। पहले में तो हमको कुछ पसंद नहीं आया, तो अमेरिका से बाहर निकल के अब हम जा रहे हैं दूसरे पवेलियंस की तरफ, बिकॉज वी वॉन्ट टू बाय समथिंग, वी वॉन्ट टू शॉप समथिंग। और यहाँ पे देखो क्या सही लाइटिंग हो रखी है, ये अपना दुबई में भी बिल्कुल इंडिया के जैसा मेले वाला सीन है। वो बात अलग है, इंडिया में इतनी लाइटिंग नहीं होती है, बट हाँ मेले जैसा ही सीन हो रहा है यहाँ पे। चारों तरफ इतनी भीड़, इतने सारे लोग, सॉन्ग, झूले, अमेजिंग। ये कोरिया जाऊँगा, क्या लग रहा है यहाँ जाना चाहिए? तो गाइस अभी हम ले रहे हैं चूरोस, बहुत सारे लोगों ने नहीं खाए होंगे, भाभी ले रही है, खरीद रही है। गाइज मैंने हैदराबाद में चूरोस खाए हैं बहुत बार। आई डो नॉट रिमेंबर दी कंट्री, मैं कंट्री का नेम डालूंगा जहाँ से बिलोंग करती है, स्पेन। ओके, स्पेन। तो चूरोस खा रहे हैं, स्पेन का एक डिश है, तो ये हम खा रहे हैं। इसके अंदर शुगर का पाउडर डाला है एंड सिनेमन डाला है अलॉन्ग विद दी चॉकलेट डिप, तो अब हम इसको खाएंगे। इसके फ्रेंड्स देख लो, इसको नहीं पता था कि ये स्पेन का है, मेरे को पता था, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। गाबी कैसे है? बस बंद कर लूं। अरे ऑसम। अब हम आ चुके हैं थाईलैंड में। ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ आ ही रहा होगा। बाय बाय थाईलैंड, हम वहाँ आने वाले हैं। यहाँ पे अपना इंडिया और यहाँ पे अफ्रीका, और ये दो वन ऑफ द बेस्ट हैं। थैंक यू। तो अपन यहाँ पे जाके थोड़ा डांस वांस देखेंगे अफ्रीका का। Buying this shea butter from this lady.
60 दिरहम्स में 2। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट सा शो पीस, ये है एक ट्राइब। अब आप ऊला लाला ला करोगे? यस, ऊला लाला, झिंगा लाला, हकुना मटाटा सब करेंगे। एक चीज बताना भाई, ये तो तू सुबह कुछ तो आईने में भी देख लेता नहीं, लेकिन हो गया, आपको देख लेता था पहले, लेकिन आजकल अब हो नहीं। अफ्रीकन पवेलियन में और यहाँ से ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। अगर हमको अच्छी लगी तो हमें भी हम लोग ब्लैक कॉफी बीन्स लेंगे। तो लेट्स जस्ट ट्राई दिस, ले ही लेंगे। कैसा लग रहा है अफ्रीका में बैठ के कॉफी पीते हुए? अफ्रीका में तो नहीं, मैं अभी दुबई में हूँ और दुबई में मैं अफ्रीका के मजे लेती हूँ अपनी इस कॉफी के साथ। हर जगह कॉफी पिए, यहाँ आके भी कॉफी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। प्लीज ट्राई यहाँ की कॉफी, अफ्रीका में आके ब्लैक कॉफी। जिन लोगों को कॉफी पसंद होगी, जिन लोगों को कॉफी पसंद होगी उन्हें ये बहुत अमेजिंग लगने वाली है। टुडे वी हैव डिसाइडेड टू ईट बॉस्नियन चिकन और ये ऐसा कुछ दिखता है और इसके साथ में आई थिंक हमस है एंड लिटिल बिट ऑफ सैलड एंड फ्राइड पोटैटोज। सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट, हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं। गाइज अभी हमने खाया बॉस्नियन चिकन और वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही टाइम बाद ऐसा कुछ था। प्रिया, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस बॉस्नियन चिकन? मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं था। बहुत ही अच्छा था, उसका टेस्ट इतना टेंडर एंड जूसी था ना, मतलब समथिंग सॉल्टेड जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट बहुत टेस्टी। और वो ब्रेड जो उन्होंने दिया था, बॉस्नियन ब्रेड, वो भी बहुत अच्छी थी, काइंड ऑफ कुल्चा यू कैन से, बट आई कैन नॉट कंपेयर कुल्चा विद दैट ब्रेड। तो बहुत डिफरेंट थी और डिफरेंट डिफरेंट खा के अच्छा लग रहा है बहुत। चाहे हमने सारा खाना खा लियो, मतलब कितनी भी कंट्री में हम चले जाएं, बट हमारा इंडियन फूड जो है हमें इतना अमेजिंग लगता है कि हम ज़रूर भले एक गोलगप्पे ही क्यों ना खा लें, ज़रूर खाते हैं अगर कहीं पे भी ऐसे हमें मौका मिल जाए। तो अब आए इंडियन चाट बाज़ार और देखते हैं वहाँ पे क्या खाएंगे। अब हम पीने वाले हैं मटका चाय, मैं पहली बार पीऊँगी, मैंने कभी पी नहीं लिया। नॉर्मल चाय तो बहुत किया, मटका ट्राई करते हैं। तब नेक्स्ट हम जा रहे हैं ईरान में और इसका एंट्रेंस देखो भाई। ओ भाई साहब, ओ दिस वन इज अमेजिंग।
वी आर इन ईरान पवेलियन और यहाँ पे इंटीरियर्स आर लाइक टॉप क्लास, एकदम धातु और देखते ही लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे तो। लुक एट दीज स्टैचूज, यहाँ से जो एंट्रेंस पे जो हैं, लाइक इट्स अनदर वर्ल्ड इन इटसेल्फ अगेन। हर एक पवेलियन टू गुड। इनके बनाया है ईरान वाला इन लोगों ने, पिलर्स देखो, अमेजिंग आर्ट वर्क, अमेजिंग कार्पेट वर्क, अमेजिंग पेंटिंग्स। इसके बाद में हम लोग घर जाएंगे। हमने टर्की से स्टार्ट किया था और यहीं से अभी हम लोग एग्ज़िट मारने वाले हैं। बस अब हम लोग एग्ज़िट मारने वाले हैं। फाइनली भाभी और प्रिया को कुछ उनको ड्रिंक्स पसंद आई थी तो वो लेने गए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम ज़रूर दोबारा आएंगे। ग्लोबल विलेज डन।